ये तो एक ऐसी फीलिंग है जिसे आप शब्दों में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। इट्स अ ग्रेट फीलिंग एरिया। आप वाकई में कहते थे ना चांद पे जाएंगे, वाकई में चांद पे पहुंच गया। हैट्स ऑफ टू द साइंटिस्ट एंड द गवर्नमेंट। जब लैंड हुआ ना सर, ऐसा फील हुआ कभी कभी, जब नहीं बहुत दुनिया का हर चीज़ हासिल कर लो, ऐसा खुशी हुआ हमको। कंट्री के लिए सोचेंगे तो गगनयान और चंद्रयान 4, 5 सब हमारे हाथ। हम लोग गर्व से अपना सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक हर साल कुछ ना नया कर रहे हैं। तो एक बार फिर हमने प्रूव किया है कि इसरो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट्स। देश के साइंटिस्ट हमारे कोई अच्छा काम करते हैं, ये तो बहुत ही गर्व की बात है देश के लिए। इसरो टीम को थैंकफुल कहना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चंद्रयान 3 का तो आपने सुना होगा। हाँ बिल्कुल, किसने नहीं सुना। कितना प्राउड फील कर रहे हो? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कोई सीमा ही नहीं है। जो साउथ पोल टच किया है चंद्रयान ने, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे तो, मैं बहुत ज़्यादा इंडियन हूँ, मतलब इंडियन इन द सेंस मुझे भारतीयता इतनी ज़्यादा है कि मुझे अगर बाहर पढ़ने, मैं काउंसलर भी हूँ, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है यहीं पे पढ़ें। तो एक बार फिर हमने प्रूव किया है कि इसरो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट्स। बच्चे यहीं पे रहें, समझें, और हमारी कंट्री में इतना सारा मैन पावर है, अगर हम सब मिल जाएंगे और कंट्री के लिए सोचेंगे तो गगनयान और चंद्रयान 4, 5 सब हमारे हाथ में, सब सक्सेसफुल होंगे। खैर अच्छी बात है मैम। अभी आदित्य L1 सूरज पे जाने के लिए तैयार है मैम जी। आदित्य भी सूरज पे जाने के लिए तैयार है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वो तो चल ही रहा है कि उसके लिए आपको ये इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं ना जो अभी हो रहे हैं और होते रहेंगे, और बस गवर्नमेंट बजट और देती रहेगी तो बस आगे सब काम अच्छे से होता रहेगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय स्पेस दिवस घोषित किया गया है, इस पे क्या कहोगे मैम? नहीं, बहुत अच्छी बात है ना, अगर हमने कुछ अचीव किया, इंडिया ने ही अचीव किया है ना ये और किसी ने साउथ पोल पे कभी मून की लैंडिंग नहीं हुई, अगर हमने अचीव किया है तो स्पेस में हमने फर्स्ट कंट्री हैं तो हम लॉन्च कर सकते हैं। हमने अपनी कंट्री में ही तो किया, नेशनल स्पेस डे प्राउडली वी आर सेलिब्रेटिंग, आपको क्या दिक्कत है? किसी को भी नहीं होनी चाहिए मैम, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चंद्रयान 3 ने लैंड करा, बहुत अच्छा लगा, देश के लिए एक अच्छा अचीवमेंट है, और हमने प्रूव कर दिया कि इसरो बहुत अच्छा स्पेस इंस्टीट्यूट है, अच्छे और अच्छे, टॉप मोस्ट है, हम वन ऑफ द टॉप मोस्ट है, और आगे अच्छे अचीवमेंट्स और कर सकते हैं, हमें और कॉन्फिडेंस आया है, और चंद्रयान 3 एक मेजर अचीवमेंट है इंडिया। आप जाना चाहोगे इसरो? हाँ, हम लोग इसरो में जाके देखना। नहीं बेटा, वहाँ जाके काम नहीं करना चाहते हो? हाँ करना चाहते हैं बिल्कुल ना, तो हाँ। उसके लिए प्रयास करना, अच्छे से करना। हाँ, प्राउड तो फील होता ही है सर, देखो जब देश के साइंटिस्ट हमारे कोई अच्छा काम करते हैं, ये तो बहुत ही गर्व की बात है देश के लिए पूरे, और मैं पूरी उसको इसरो टीम को थैंकफुल कहना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। उनकी वजह से हमें भी गर्व हो रहा है, गर्व हो रहा है, पूरे देश को गर्व हो रहा है उनकी वजह से, और अच्छी पहल है। अच्छा, मून मिशन के बाद अब सूर्य पे जाने वाला आदित्य L1 अगले महीने लॉन्च के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सही है उसके लिए जाना चाहिए। अच्छा, 23 अगस्त को जो है ना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है, मोदी जी ने किया है, इसको कैसे देखते हो? क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 लैंड किया था मून पे। 23 अगस्त को ही लैंड किया गया था चंद्रमा पर, तो एक ऐतिहासिक दिन होगा जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, और बहुत ही गर्व का पल है, सब पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है जो 23 अगस्त का दिन है। सर मैं तो बहुत खुश हुआ, मेरे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद सर सफलता मिली है, तो खुशी तो होगी। और जब लैंड हुआ ना सर, ऐसा फील हुआ कभी कभी, जब नहीं बहुत दुनिया का हर चीज़ हासिल कर लो, ऐसा खुशी हुआ हमको। उसके बाद में सर ना, जैसे अब सब स्टेटसबाजी करते हैं, सबसे पहले तो धन्यवाद हमारा श्री मोदी जी को, आप इतना सपोर्ट करते हो वैज्ञानिकों को, सपोर्ट किया आपने उनको, जो है ना मतलब थोड़ी सराहना की आप, सबसे पहले मोदी जी ने ही ताली बजाई, सब कुछ किया, और उसके बाद में वैज्ञानिकों ने जो काम किया सर, हमें लगता है बहुत मेहनत की होगी तब सफलता मिली है। कहने और करने में सर बहुत अंतर होता है, जो कि यह वैज्ञानिकों ने हर कोई नहीं कर पाता,
उनको उनको बहुत बहुत बधाई सर, उनके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा आगे भी ऐसे ही हमारे इंडिया का नाम रोशन करते रहें। हम लोग गर्व से अपना सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक हर साल कुछ ना नया नया कर रहे हैं, और हर साल नया होना चाहिए सर, यही हम उनसे उम्मीद रखेंगे। और उन्होंने कर दिखाया है सर, इसमें कोई मतलब कहने वाली बात नहीं, कर दिखाया, आगे भी कर भी दिखाएंगे। अभी सूर्य मिशन सक्सेसफुल होगा तो सर और प्राउड फील करेंगे। आदित्य एल1 सूरज पे जाने के लिए तैयार है। हाँ वो सर सक्सेसफुल हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम तो नंबर बनी हैं, फिर वर्ल्ड में फिर नंबर बनी है। अगर नासा को ही पछाड़ना है हमें। हाँ नासा को तो पछाड़ देंगे सर, हर साल कुछ नया होगा तो फिर तो हम पछाड़। अच्छा ये जो इन्होंने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है, इसको कैसे देखते हो? सर ये तो हमारे एक त्यौहार की तरह हो गया, जैसे हम होली दीपावली मनाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है हमने, ठीक है, एक बार फेल हुए, ठीक है, दोबारा सक्सेस हुए, अब उठ के चलना नहीं, कई कहते हैं गिर के उठ के चलना, यही सफलता है। अब हार मान लेने वाला आदमी बैठ जाता है, हमारे वैज्ञानिक हार नहीं माने, बहुत मेहनत की उन्होंने। हाँ तो सर मैं हर बार कोई भी कोई कुछ कहता है तो मैं सबसे बड़ा श्रेय हमारा वैज्ञानिकों को जाता है जो आप इतना मेहनत करते हो। सबसे पहले तो हमारा जो मेन वैज्ञानिक है लैंड होने के बाद वो हंसा नहीं रोया, क्योंकि हम अपनी सफलता पे इतने खुश थे कि वो हंस नहीं पाया, रो गया। अब आदमी जब सबसे ज़्यादा खुश होता है सर हंस नहीं पाता, रोता है। बस वही है, अब क्या कहते हैं, कैसे जो खुशी होती है कहते हैं लफ्ज़ों से कैसे बयां कर पाते, वही बात है, कहते जो भी अपने दिल से करो, कहते लफ्ज़ों से तो कहना मुश्किल होता है, ठीक है, कोई भी मिनिमम ऐसा है कि अपने मन से जो है ना अपने भावना अपने अंदर रखो, देशभक्ति है अपने अंदर रखो और बाहर निकालो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ बोलने से कुछ होता है, बोलने से आज तक ना कुछ हो पाया ना कुछ होगा, ठीक है। मोदी जी हैं बोलते नहीं हैं करते हैं वो, मोदी जी हैं बोलते हैं नहीं हैं करते हैं वो, योगी जी भी है करते हैं वो बोलते नहीं हैं, और अखिलेश है कि बोलता है बस करता नहीं है कुछ भी, ठीक है, उसको बस भागने का आदत पता है कि हाँ साइकिल लेकर के उठा कर भाग जाना है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये बात तो आप जानते हो ना, तो फिर वही बात है बस, और क्या कहना। सर जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया तो उस टाइम कितना प्राउड फील हुआ आपको? बहुत अच्छा गर्व महसूस हुआ, चंद्रमा पर पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो हमारे प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत खुश थे, उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे, और हम लोग भी इंडियन काफ़ी खुश थे, बहुत अच्छा फील हुआ। यूट्यूब पे तो लाइव देखा होगा सर? देखा था, लाइव देखा था, ऑफिस में था मैं तो लाइव ही देख रहा था LCD पे। जी जी। तो सारे लोगों में मिठाई और ये सारा कुछ बांटा था, जश्न का माहौल था, जश्न का माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था ऑफिस में C55 DIC में। जी जी। बहुत अच्छा माहौल था। मैम चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पे लैंड हुआ कितना प्राउड फील हुआ आपको? ये तो कैसी फीलिंग है जिसे आप शब्दों में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, इट्स अ ग्रेट फीलिंग एरिया। आप वाकई में कहते थे ना चांद पे जाएंगे, वाकई में चांद पे पहुंच गया। हैट्स ऑफ टू द साइंटिस्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। ये तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है, दैट्स आई एम सेइंग कि बहुत अच्छी बात है। जनरली हम लोग कैंसर डे ये डे वो डे मनाते हैं, बट स्पेस डे हमारे मनाया जाएगा, इंडिया इसको एक नाम दे रही है, इट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा मैम मून मिशन के बाद हम लोग अब सूरज पे जाने वाले हैं, आदित्य L1 तैयार है मतलब क्यों में हैं, तो उसके लिए क्या कहने वाले? ऑल द बेस्ट, दैट्स द बेस्ट वर्ड, क्योंकि सूरज पे जाना जितनी हीट है उसको वहाँ तक पहुँच पाना, उसके कुछ किलोमीटर तक की दूर की जगह पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो आई थिंक इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके ऑर्बिट में तो जाएंगे ही एटलीस्ट, डेफिनेटली। तो दैट्स आई एम सेइंग जस्ट ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग फॉर दिस। थैंक यू सो मच मैम। चंद्रयान 3 जो चांद पे लैंड किया है वो तो देखा होगा यूट्यूब पे आपने, सर कितना प्राउड फील हुआ? सर बहुत हर भारतीय के लिए बहुत खुशी का पल था, जिस तरीके से चंद्रयान 2 हमारा सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, और आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भारत की विजय का डंका लहरा रहा है। जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने भारत देश का नाम रोशन किया वो काबिल तारीफ है। आपको कितना प्राउड फील हो रहा है? हमें तो सर बहुत हो रहा है एक भारतीय होने के नाते, और उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशी है चंद्रयान 3 की सफलता। अच्छा चंद्रयान 3 के बाद अब मिशन सूर्य भी आ रहा है, आदित्य L1 जो है L1 ये 4 सितंबर 2023 को लॉन्च करने की उम्मीद अभी जताई जा रही है, जैसे आज मैंने न्यूज़ में देखा था। मैं अपनी तरफ से और पूरे कंट्री की तरफ से
सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूँ। जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने सफल हुआ, इस तरीके से हमारा सूर्यान आदित्य L1 भी सफल होगा। हमें बहुत गर्व है अपने इसरो के वैज्ञानिकों पे कि हम धरती से चाँद पे चले गए। पूरी दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया वो हम दक्षिणी ध्रुव पे जाके पहुँच के हम अपने भारत का मान और मर्यादा और शान से गर्व बढ़ाया। बहुत भाग्य की बात है, जो किसी ने नहीं किया वो हमने करके दिखाया। रही बात कि ऐसे ही चलती रही, हम कामयाबियों की तरफ पहुंचते जाएंगे और बहुत खुशी की बात है। आदित्य L1 सूर्य के ऑर्बिट में जाने के लिए तैयार है, इस पे क्या कहोगे? बहुत बढ़िया, हम तो खुशी चाहते हैं। ऊपर वाले से विनती करते हैं कि ये भी हमारा जैसे चंद्रयान 3 मिशन पूरा हुआ, ये उससे भी और बेहतर मिशन हमारा पूरा हो जाए, क्योंकि इसको भी सारी दुनिया देखे। और सारी दुनिया जैसे हमारे विरोधी भी खुशी मना रहे, वैसे भी L1 का भी आदित्य L1 का भी खुशी मनाया।